तो लाइव लाइव आ गए हम लोग दोबारा। अभी करेंगे हेयर वॉश। हेयर वॉश के लिए सबसे पहले मैंने लगा दिया है टॉवल, ओके। फिर लगा दूंगा शैम्पू केप, सारे बाल ले आऊंगा पीछे, ध्यान से सेट कर लेंगे हेड को अच्छे से, सर करेंगे ऊपर की तरफ। जितने भी बाल है ना, पहले आप गर्म पानी चला लीजिए, ओके। आ गए, लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए सब लोग, जल्दी से जल्दी हम करने जा रहे हैं हेयर वॉश, ओके। मैं पहले अपने हाथ गीले कर लूँगा, हाइलाइटिंग वाले बाल गीले कर लूँगा सारे, ओके। ये हम निकाल देंगे, ईयर कैप दोनों साफ कर लेंगे यहीं पे, ओके। रख दूँगा मैं, तो पहले करेंगे गर्म पानी यूज़। हेलो 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 एवरीबॉडी, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, ओके। तो पहले कर लेंगे हाइलाइटिंग वाले बाल गीले, गर्म पानी है, हम गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, नॉर्थ में ठंड पड़ रही है इसलिए, ओके। तो गर्म पानी यूज़ करेंगे, गर्म पानी यूज़ करेंगे, मिक्स कर लूँगा मैं अच्छे से पानी को, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ओके। हल्का हल्का पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे अच्छे से कलर पे पानी लगाएंगे। तो क्या करेंगे इसके बाद, कर लूँगा मैं मसाज, जितना भी कलर स्किन पे लगाया अच्छे से मसाज करिए, और उसको काट देगा, कलर ही कलर को काटता है। तो इस तरह से मसाज करें सारे रूट्स पे अच्छे से, ओके। सारे रूट्स पे अच्छे से मसाज करें, रूट्स पे अच्छे से मसाज करें इस तरह से। पहले निकालते रहिए साथ साथ में कलर को, कलर को निकालते रहें। तो जितने भी ब्लोंड हेयर हैं उनको पहले आपको गीला कर लेना है, ताकि ये कलर उसमें जाके डिपॉजिट ना हो। रूट्स वाले हेयर को अच्छे से कर लेंगे मसाज, फिर डाल देंगे एक्स्ट्रा हेयर पे पानी, ओके। सारा कलर अच्छे से निकाल लेंगे हम, कहीं भी कलर रहना नहीं चाहिए, ओके। हमेशा फ्रंट फोरहेड पे ऐसे हाथ रखें, ताकि पानी फ्रंट फेस पे ना आए। नेक पे भी अच्छे से कर लेंगे हम क्लीन, फिर करेंगे जैसे ही कलर निकल जाता है ना, उसके बाद हम करेंगे शैम्पू, ओके। शैम्पू कौन सा करेंगे, दो तरह के शैम्पू हैं हमारे पास, मेरे पास मैट्रिक्स भी है और लॉरियल भी है। तो हम करेंगे लॉरियल शैम्पू। तो अभी सारा कलर निकल चुका है, ओके, मैंने निकाल दिया है, अभी करेंगे शैम्पू हम लॉरियल एक्सटेंसो, ओके। कलर ली, शैम्पू लिया मैंने, अच्छे से लगा देना है सब जगह पे। मसाज करेंगे, शैम्पू की मसाज करेंगे रूट्स पे, ताकि जितना एक्स्ट्रा कलर है वो निकल जाए, रहना नहीं चाहिए कहीं भी, कहीं भी रहना नहीं चाहिए रूट्स के ऊपर। तो अच्छे से पानी और डाल लें, मैं दोबारा फिर शैम्पू कर सकता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है, कभी आपका शैम्पू लगता नहीं है नेप एरिया में, यहाँ पे। तो जितना एक्स्ट्रा कलर है यहाँ पे वो निकल जाएगा जैसे ही आप शैम्पू करोगे, ओके। हमेशा कान के ऊपर ऐसे हाथ रख लें, ताकि पानी कान में ना जाए, इस तरह से। क्लीन करेंगे अच्छे से। ये है कलर का हेयर वॉश, जो हमने कलर किया है उसको हेयर वॉश कैसे करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। क्लाइंट के सर पे पानी आएगा तो ध्यान रखेंगे हम ऐसे हाथ रखेंगे। दोबारा एक बार और शैम्पू कर सकते हैं,
क्योंकि नेक पे हमेशा कलर रह जाता है, पता है जो नेक वाला एरिया है उसमें कलर रह जाता है। तो शैम्पू दोबारा से ले लेंगे, ओके इसको लेंगे अच्छे से, यहाँ पे अच्छे से फिर से लगा लेंगे ताकि कलर ना रहे। प्लीज़ ये ध्यान रखना आपको, कलर कहीं भी रहना नहीं चाहिए, चूरना नहीं चाहिए, ओके। फिर से शैम्पू ज़्यादा देर नहीं लगा के रखना, मसाज करना है सिर्फ, ताकि रूट्स में से जितना एक्स्ट्रा कलर था वो निकल जाए, नहीं तो वो इची इच होता रहेगा बार बार, पता है अगर आप नहीं निकालोगे तो वो बार बार इच होता रहेगा। तो कलर अच्छे से निकलना चाहिए क्योंकि वो केमिकल है। जस्ट सी इट किस तरह से हम नेक वाले एरिया को, नेक वाले एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। जब तक ये फोम झाग निकलती रहेगी आपको तब तक वॉश करते रहना है ताकि प्रोडक्ट जो लगा हुआ है वो सारा निकल जाए, वो सारा प्रोडक्ट निकल जाए। जैसे ही ये निकल जाता है फिर हम लगाएंगे मास्क, तो 110 लोग देख रहे हैं, किन किन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया? ओनली 2 पीपल। व्हाई? आप लोगों को पसंद नहीं है क्या मेरा काम? प्लीज लाइक कर दे अभी की अभी मेरी वीडियो को, ओके। अभी मैंने लगाना है मास्क जो कि रहेगा लोरियल कंपनी का, आप लगा सकते हैं मास्क। लगाएंगे अभी मास्क, मैंने लिया है लॉरियल का मास्क, स्मूथनिंग मास्क, ओके। मैं ले लूँगा इस तरह से और सिर्फ लेंथ पे लगाना है मुझे इस तरह से, ओके। इस तरह से लेंथ पे लगाना है, रूट्स पे नहीं लगना चाहिए, ओके। इस तरह से अच्छे से लेंथ पे लगा देना है और हमें छोड़ देना है कितनी देर के लिए, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक आप वेट करिए। इनके बालों में लगा दिया है हमने मास्क, ओके। तो वेट करेंगे तब तक, ये मास्क अपना काम करेगा। ये क्यों लगाते हैं पता है? शैम्पू जो है वो क्यूटिकल्स को ओपन कर देता है और जो मास्क है वो क्यूटिकल्स को क्लोज कर देता है। तो मास्क इसलिए लगाया जाता है कि जो बालों के क्यूटिकल्स खुल गए हैं वो बंद हो जाएं। बंद होंगे तो वो ज़्यादा शाइनी दिखेंगे बाल, मास्क इसलिए लगाया जाता है, ओके। लाइक इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 113 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 18 लोगों ने लाइक किया है, क्यों ऐसा? नहीं, प्लीज़ कपड़ों की तरह इसको घिसना नहीं चाहिए, आप एकदम सॉफ्ट हैंड से ही शैम्पू करेंगे, सॉफ्ट हैंड से ही आपको मास्क लगाना है, ओके। घिसना नहीं है प्लीज़, बिल्कुल सॉफ्ट हैंडेड। आप देखते रहिए, थोड़ी देर में ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं बाल। Just see it. जहां पे आपको लग रहा है तो थोड़ा सा मल्सिफिकेशन कर दीजिए, ओके। तो मैक्सिमम मैं सोच रहा हूं 3 मिनट जैसा हम रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना। वॉश कर देंगे अभी क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर भी ठंडा हो जाता है, तो हम क्लीन करके वॉश कर देंगे, सारा मास्क निकालेंगे, बालों में से मास्क को निकाल लेंगे।
ध्यान से देखिएगा, बालों में से मास्क को निकाल लेंगे। जैसे ही मास्क निकल जाएगा मैं थोड़ी देर के लिए लाइव बंद करूंगा, ओके, लाइव को होल्ड पे रखूंगा क्योंकि इसका बैटरी लो हो गया है मेरे मोबाइल का। दोबारा से लाइव आऊंगा इसको चार्जिंग पे लगा के, ओके। अंदर खोलो खोलो, तो इसी तरह से अच्छे से इसको जितना भी मास्क है वो रिंस कर लेंगे। तो स्कल्प पे कोई मास्क रहना नहीं चाहिए, या रूट्स पे या हेयर पे कोई मास्क रहना नहीं चाहिए, ओके। ये निकल गया है, अभी इसको कर लेंगे हम यहाँ पे रैप, हेयर को कर लेंगे रैप, हेयर को कर लेंगे रैप, ताकि इनको हम कर सकें ड्रायर। अब 2 मिनट के लिए लाइव रोकूंगा मैं, ओके, फिर दोबारा लाइव आता हूँ, तो वेट करिए।